हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एजुकेशन एंड फिलॉसफी। एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या रिलेशन है। फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर, एडुशेयर एंड एजुकेटम। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ एजुकेयर, विच मीन्स टू राइज अप और टू ब्रिंग अप और टू नरिश। नेक्स्ट एडुशेयर मीन्स टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट समथिंग। नेक्स्ट एजुकेटम विच मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। सो वी कैन से दैट एजुकेशन इज़ द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जितनी भी चेंजेस आप बच्चों में लेकर आते हैं, किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, वो सारी एजुकेशन की मीनिंग होती है। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज की मैं अगर बात करूँ तो हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा संस्कृत वर्ड शास से डिराइव किया गया, जिसका मतलब है डिसिप्लिन और हाउ टू कंट्रोल। नेक्स्ट हम देखेंगे नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इन नैरो मीनिंग एजुकेशन वी गेट इन द स्कूल। अगर हम जो भी एजुकेशन या जो भी शिक्षा हम स्कूल से ले रहे हैं, दैट इज़ द नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और अगर मैं वाइडर मीनिंग की बात करूँ तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, चाहे वो आपके एकेडमिक्स के रूप में हो, आपके बिहेवियर के रूप में हो, जिस भी तरीके के डेवलपमेंट आप अपनी पर्सनैलिटी में देखते हैं या एक टीचर बच्चों की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लेकर आता है, उसको हम वाइडर मीनिंग कंसिडर कर सकते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं एजुकेशन की। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, एजुकेशन मेक्स अ मैन सेल्फ रियलाइंड एंड सेल्फलेस। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, बाई एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। गांधी जी ने जैसा कि बताया था, वो बेसिक एजुकेशन की बात करते थे और वो बोलते थे कि बच्चों को बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की ओर हम ध्यान दें, ना कि सिर्फ एकेडमिक्स की हम बात करें, बच्चों की बिहेवियर, बच्चों के नेचर पे हम ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अगर आपके पास एजुकेशन है और आप उस एजुकेशन को ले रहे हैं, सो आपके पास एक वेपन तैयार हो जाता है, जिससे कि आप अपने ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फिलॉसफी। फिलॉसफी कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड फिलॉस एंड सोफिया। फिलॉस मीन्स टू लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। जो भी आपके ज्ञान के प्रति प्रेम है, उसको हम फिलॉसफी बोलते हैं और लव ऑफ विजडम बोलते हैं। अब हम देखते हैं एजुकेशन और फिलॉसफी के बीच में रिलेशन क्या है। फिलॉसफी गिव्स दैट विजडम विच हेल्प ह्यूमन टू एस्टैब्लिश रिलेशन विद यूनिवर्स। फिलॉसफी हमें ऐसा ज्ञान देता है जिसके थ्रू हम अपने नेचर और यूनिवर्स से अपने रिलेशन को जान पाते हैं। फिलॉसफी पॉइंट्स आउट द वे एंड एजुकेशन फॉलोज दैट। फिलॉसफी आपको एक रास्ता दिखाती है कि आपको किस रास्ते पर चलना है और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप एजुकेशन से हेल्प कर सकते हैं। फिलॉसफी एंड एजुकेशन टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आपको फिलॉसफी पता है तो आप एजुकेशन की हेल्प से उस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, बट आपको अगर रास्ता ही नहीं पता तो किस रास्ते पे आपको जाना है, तो आप आगे अपने पाथ को या अपनी लाइफ को फॉलो नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। दोनों एक ही चीज़ को दिखाती हैं, बट उनके दिखाने और बताने का तरीका अलग होता है। आई होप अब आपको एजुकेशन और फिलॉसफी के टर्म्स और दोनों के रिलेशन क्लियर होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।